नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। भोपाल में टोटल लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया। आज से आटा चक्की भी खुलेगी, राशन की समस्या ना हो इसलिए 3000 किराना दुकानें खुली। बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने 4 मई से फ्लाइट्स में बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। रोजाना 2000 सैंपल और 10000 स्क्रीनिंग की जा रही है। 40 टीम ने काम शुरू किया है। कोरोना के 10 नए केस मिले। 2 साल की बच्ची समेत एम्स गार्ड भी संक्रमितों में शामिल हुआ। कोरोना वायरस से भोपाल के 5.75 लाख गैस पीड़ितों को संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा। अब तक की 5 की मौत संक्रमण से सोर्स का पता नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से भोपाल में हो रही मौतों के बाद 5000 गैस पीड़ितों को घर घर जाकर सैंपल लिए। डॉक्टर ने गैस पीड़ितों को सलाह दी है कि वे अपनी पहले से चल रही दवाएं खाते रहें। जरा सी भी परेशानी हो तो हेल्पलाइन पर फोन करें। लॉकडाउन तोड़ा तो 2 साल की अधिकतम सजा और जुर्माना। आपदा प्रबंधन कानून में 9 धाराएं और आईपीसी की धारा 188 लगेगी। सार्वजनिक स्थानों और काम की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। थूकने पर सजा और जुर्माना। कोई झूठी खबर फैलाए तो धारा 54 के तहत 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। सरकारी अधिकारी कर्तव्य पालन न करने पर 1 साल तक की सजा या जुर्माना। भोपाल ने 9 दिन में 10.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। जयपुर 12 लाख और मुंबई धारवे के 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर चुका है। इंदौर में सिर्फ 2.5 लाख। इंदौर में कंटेनमेंट एरिया की संख्या 125, जिसमें से केवल 25% लोगों को स्क्रीनिंग हुई है। इसमें अलाउड भोपाल मरीज के बाद मिलना शुरू हुए हैं। वह स्क्रीनिंग की रफ्तार बहुत तेज है। क्वारंटाइन सेंटर की दीवार फांदकर भागे 8 कोरोना संदिग्ध युवक, 3 को पुलिस ने पकड़ा। क्वारंटाइन सेंटर से भागे युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चेकिंग बढ़ाई। देवास, उज्जैन, धारा, झाबुआ, खंडवा जिलों के पुलिस को अलर्ट किया। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।